गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दोस्तों आज मैं केसी मीणा असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई बिजनेस एम एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारा पेपर है उसमें प्रबंध के सिद्धांत जो सेकंड पेपर था उसमें प्रबंध के सिद्धांत नामक चैप्टर लेके आए हैं। प्रबंध के बारे में आपने पूर्व के अध्यायों में और वीडियो के माध्यम से आपने समझ लिया है कि प्रबंध क्या है और प्रबंध के क्या कार्य हैं। इन सब के बारे में, प्रबंध का महत्व के बारे में, प्रबंध की सीमाएं, विशेषताएं, इन सब के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। प्रबंध आज सभी संस्थाएं, चाहे वह व्यावसायिक हो, निर्माणीकरण से संबंधित हो, व्यावसायिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, वैचारिक हो, धार्मिक से संबंधित हो, किसी भी प्रकार से वो व्यापार करने वाली हो, तो उन सभी के लिए क्या है, प्रबंध बहुत आवश्यकता बन गया है। और इसी कारणवश आज के आधुनिक युग में प्रबंध जो है वो एक पैसा बनता जा रहा है। आज प्रत्येक संस्था में अलग से प्रबंधक की नियुक्ति की जा रही है और वो इसीलिए की जाती है कि जो प्रबंधक है वो किसी भी संस्था की जो नीतियाँ होती है उन नीतियों को क्रियान्वयन करने में उनका सहयोग करता है। प्रबंधक जो होता है उच्च स्तर से निम्न स्तर तक जो विभिन्न कर्मचारी कार्य कर रहे हैं संस्था में, उन सभी के बीच में समन्वय का काम करता है, एक सेतु का काम करता है और वह सहयोग करता है उस संस्था की नीतियों को लागू करने में, उनका क्रियान्वयन करने में। जो मानव संसाधन है उस संस्था में लगा हुआ है, उनके बीच में आपस में तालमेल बनाकर संस्था के जो लक्ष्य हैं, जो उनके उद्देश्य हैं, उनको पूरा करने में वो सहयोग करता है। प्रबंधक जो है वो योजना बनाने में, संगठन निर्माण में, निर्देशन में, नियंत्रण में एवं समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भी कर्मचारी उस संस्था में कार्य कर रहा है उसकी आवश्यकताएं क्या है, उन सब के बारे में वो जानकारी करता है, उच्च अधिकारियों तक पहुंचाता है और उच्च अधिकारियों की जो नीतियां हैं, जो उनके लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उन आकांक्षाओं को, आदेशों को, निर्देशों को जो निम्न स्तर तक जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वहाँ तक उनको पहुँचाते हैं और को अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए कार्यों का वहाँ पर निर्धारण करते हैं। उसी से संबंधित प्रबंध के कुछ सिद्धांत हैं, आज हम इस वीडियो में उनके माध्यम से यहाँ पर चर्चा करेंगे। सामान्य शब्दों में जैसे कह सकते हैं कि किसी भी कार्य या ज्ञान इसके संबंध में, यानी किसी भी कार्य या ज्ञान के संबंध में कुछ मार्गदर्शक बातें होती हैं जो आधारभूत होती है अनुभव पर, किसी शोध पर, किसी विश्लेषण पर एवं परीक्षण के आधार पर। तो जो भी सिद्धांत होते हैं उस किसी भी क्षेत्र में कार्य किया गया हो और उस कार्य से कुछ अनुभव प्राप्त हुआ हो या ज्ञान प्राप्त हुआ हो, किसी विशेष क्षेत्र में शोध किया हो, शोध के पश्चात उससे कुछ विश्लेषण और परीक्षण निकले हों, उनके आधार पर कुछ सिद्धांत वहाँ पर सामने आते हैं। यही सिद्धांत वहाँ पर जो है आगे प्रबंधकों को कार्य करने में सहयोग करते हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने प्रबंध को अपने अपने अध्ययन के और ज्ञान के आधार पर परिभाषित किया है। उनमें टेरी ने कहा है कि सिद्धांत को एक आधारभूत विवरण या सत्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, किसी कार्य या विचार का मार्गदर्शन करना वहाँ पर दर्शन कहलाता है। यानी कोई भी आधारभूत विवरण या किसी सत्य के बारे में हम वहाँ पर पहले शोध करते हैं, परीक्षण करते हैं, उसके बाद में कोई कार्य से संबंधित विचार आता है और उस विचार के संबंध में मार्गदर्शन किया जाता है।
कार्नेल ने भी इसी संदर्भ में परिभाषित करते हुए कहा कि एक आधारभूत विवरण या सर्वमान्य सत्य है जो किसी कार्य या विचार से संबंधित हो सकता है और उस कार्य या विचार के संबंध में मार्गदर्शन करता है। ब्रेंच ने भी अपने मतानुसार परिभाषित किया है, सिद्धांत वह आधारभूत सत्य है जो तर्क के आधार पर हैं और प्राथमिक तत्व हैं सामान्य विधि के आधार पर। अब देखिए ये प्रबंध के जो सिद्धांत हैं इनकी प्रकृति किस प्रकार की है। ये गतिशील है, ये शोध और परीक्षण के आधार पर वहाँ परिवर्तित होते रहते हैं और ये गतिशील है, कभी भी नहीं रुकते हैं। ये आधारभूत है किंतु अंतिम नहीं है। किसी कार्य विचार के संबंध में ये आधारभूत वहाँ पर माने जाते हैं लेकिन ये अंतिम नहीं है। शोध परीक्षण और विश्लेषण के आधार पर सिद्धांतों में परिवर्तन हो सकता है। लोचशील है, परिवर्तनशील है, आवश्यकता के अनुसार इनको परिवर्तित किया जा सकता है। परीक्षण के आधार पर वहाँ पर जो नए आविष्कार होते हैं उनके आधार पर जो इन सिद्धांतों में वहाँ पर परिवर्तन किया जा सकता है। ये ना जड़ है और ना बेचोड़। जैसे कोई चीज़ जड़ से जुड़ जाती है और जब उसको जड़ से अलग किया जाएगा तो पूरा पौधा ही बाहर निकल के आ जाएगा, ऐसा इसमें नहीं है। ये बेलोच है, ये जैसे किसी कार्य विचार ज्ञान अनुभव शोध के आधार पर अगर विश्लेषण के बाद परीक्षण करने के आधार पर ये वहाँ पर अनुभव किया जा सकता है कि वहाँ पर इस सिद्धांत में कुछ परिवर्तन होने चाहिए तो वो परिवर्तन किए जा सकते हैं। इसलिए लोचशील है, ये सापेक्ष है। टेरी ने इसके संबंध में कहा है प्रबंध के जो सिद्धांत है प्रबंध की बौद्धिकताओं के अनुसार चुने हुए हैं, ये वहाँ पर क्या है कि बदलते रहते हैं, इनमें सावधानी एवं बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। सार्वभौमिक है, फेयोल ने इसके संबंध में लिखा है कि सिद्धांतों के उपभोग को सांस्कृतिक परंपराएं आर्थिक से संबंधित है और ये सभी क्षेत्रों में वहाँ पर पाए जाते हैं। ये सिद्धांतों का सांस्कृतिक हो चाहे जो परंपराएं हैं जो आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक सभी जो क्षेत्र हैं उनमें ये सभी सिद्धांत वहाँ पर स्वीकार किए जाते हैं, इसलिए इनको सार्वभौमिक का दर्जा दिया गया है। सिद्धांत नीतियों से भिन्न होते हैं क्योंकि नीतियाँ तो वहाँ पर क्या है कि जो उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं उनके आधार पर पहले बना ली जाती है, जबकि सिद्धांत जो होते हैं वो किसी कार्य ज्ञान अनुभव शोध परीक्षण या विश्लेषण के आधार पर निर्धारित होते हैं। सिद्धांत नियमों से भी भिन्न होते हैं, नियम वहाँ पर आवश्यकता के अनुसार और परिस्थितियों के आधार पर बनाए जाते हैं, जबकि सिद्धांत शोध परीक्षण और विश्लेषण के आधार पर निर्भर होते हैं। सिद्धांत प्रबंध कौशल से भी भिन्न हैं, सिद्धांत जो होते हैं शोध प्रशिक्षण के आधार पर वहाँ पर निर्धारित होते हैं, जबकि प्रबंध कौशल का मतलब है कि जितना उसको कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें दक्षता दी जाएगी या दक्ष होगा उतना ही वह अच्छा कार्य करेगा। तो हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रबंध का आशय क्या है, प्रबंध की विशेषताएँ क्या है और प्रबंध के सिद्धांत क्या हैं इनके बारे में पढ़ा। धन्यवाद, हम फिर आएंगे आपके लिए एक अच्छा वीडियो लेके। धन्यवाद।